दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आखिर पानी की बोतलों के ऊपर ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनें क्यों बनी होती हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि इन बोतल्स पे ये लाइनें क्यों बनी हुई होती हैं। दोस्तों, बहुत से लोग कई सालों से इन बोतलों को खरीद रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि इन बोतलों पर लाइनें क्यों बनी हुई होती हैं। आपने यह भी देखा होगा कि अलग अलग बोतलों पर अलग अलग तरह के डिज़ाइन बने हुए होते हैं, और अगर आपको ये लगता है कि ये जो लाइंस हैं ये डिज़ाइन के लिए हैं बॉटल्स पे, तो ये भी एक रीज़न है। बट इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि ये जो बॉटल्स बनाई जाती हैं पानी के लिए, बेसिकली पीने वाले पानी के लिए, वो सॉफ्ट प्लास्टिक से बनाई जाती है, ना कि हार्ड प्लास्टिक से। अब अगर सॉफ्ट प्लास्टिक से बनी हुई हैं तो इसमें क्या है कि ये जो लाइंस होती हैं इससे इसको बॉटल को मजबूती मिलती है, जिससे ना तो ये बॉटल फटती हैं ईजिली और ना ये मुड़ती हैं। और दोस्तों, इन बॉटल्स पे लाइन होने का एक रीज़न और भी है कि जब कंपनियां इन बॉटल्स को बनाती हैं तो इन बॉटल्स पे बनी लाइन की वजह से इस पे बहुत अच्छी ग्रिप बनती है। जब हम इन बॉटल्स को पकड़ते हैं, पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, तो एक अच्छी ग्रिप बनी रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।